हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अरुणा सिंह, एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली। एंड ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने एम्स दिल्ली के बॉयज़ हॉस्टल के रूम से। गाइस, राइट नाउ इट्स ऑलमोस्ट 3:30 AM इन द मॉर्निंग, एंड बिफोर गोइंग टू बेड आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। इस वीडियो का यार प्राइम कंसर्न मेरा ये रहेगा कि मैं उन स्टूडेंट्स को आगाह कर सकूँ, उन स्टूडेंट्स को मैं वार्निंग दे सकूँ जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर सिर्फ और सिर्फ आउटकम ड्रिवन मेंटालिटी के साथ मेहनत कर रहे हैं, प्रोसेस ड्रिवन नहीं है। राइट, ये चीज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ यार बिकॉज जस्ट बिफोर गोइंग टू बेड यू नो मेरी आदत है कि मैं इंस्टाग्राम खोल के आप सभी के मैसेजेस पढ़ूँ, जो भी आपकी क्वेरीज होती है, जो स्पेसिफिक क्वेरीज होती है मैं वहाँ रिप्लाई कर देता हूँ। जितने लोगों को हो सके मैं करने की कोशिश करता हूँ यार, पर यू नो एज अ ह्यूमन इट्स नॉट पॉसिबल टू रिप्लाई एवरीवन। सो जो मास क्वेरीज होती हैं, जो कॉमन क्वेरीज होती हैं, उसको एज अ टॉपिक मैं पिकअप करके वीडियो बना देता हूँ। राइट, सो राइट नाउ इमर्जिंग टॉपिक ये है कि सभी स्टूडेंट्स को 650, 670, 690 मार्क्स चाहिए। वो अपना स्कोर भेज देते हैं अभी का, आप रिलेट कर पा रहे हो, आपकी भी ऐसी प्रॉब्लम होती है कि आप किसी ना किसी टीचर को इसके लिए पेस्टर करते हो, अपने पेरेंट्स को, या फिर अपने किसी सीनियर को जानते हो, या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पर अगर फॉलो करो तो आपने भी मेरे को ऐसे मैसेजेस भेजे होंगे, या फिर कॉमेंट सेक्शन में ऐसे मैसेजेस मेरे से पूछे होंगे। सो गाइस, प्रॉब्लम क्या है, हम सभी एज ए ह्यूमन यू नो हमारा जो नेचर है ना वो ये रहता है कि हम आउटकम ड्रिवन होते हैं, हम सभी को रिजल्ट चाहिए। आप सबको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एकेडमिक से क्या चाहिए, कैसा रिजल्ट चाहिए, बोर्ड्स में 96% चाहिए, 95% चाहिए, नीट में बेस्ट मेडिकल कॉलेज चाहिए, एम्स दिल्ली से नीचे तो चाहिए ही नहीं कई लोगों को, स्टेट नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट में बेस्ट मेडिकल कॉलेज चाहिए, कुछ पर्टिकुलर रैंक चाहिए, टॉप 10, टॉप 100, टॉप 1000, या फिर मार्क्स चाहिए 690, यू नो 650 प्लस। तो इस मेंटालिटी के साथ प्रॉब्लम ये होती है गाइस, जब आप आउटकम ओरिएंटेड रहते हो ना, सिर्फ नॉर्थ स्टार पे फोकस करते हुए आगे बढ़ रहे होते तो हो सकता है कि आप आगे चलते चलते किसी पोल से भिड़ जाओ, यू बम्प इनटू अ पोल, राइट, व्हाइल यू आर ओनली फोकसिंग ऑन द नॉर्थ स्टार एंड नॉट लुकिंग एट द पाथ दैट यू आर फॉलोइंग। ओके, ये प्रॉब्लम होती है आउटकम ओरिएंटेड होने की। राइट, अगर आप सिर्फ प्योरली आउटकम ओरिएंटेड हो तो ये प्रॉब्लम होगी। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि यार आपके माइंड में कोई गोल नहीं होना चाहिए, कोई डिज़ायर नहीं होना चाहिए, कोई आउटकम एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए यार, आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए, वो नॉर्थ स्टार आपका डिफाइंड होना चाहिए, उसी की तरफ आपको मूव करना है, दैट इज़ द फाइनल टारगेट दैट यू वांट टू अचीव। बट यू नीड टू रिमेंबर यार, बीच बीच में आपको अपने सड़क को भी देखना पड़ेगा, आपको प्रोसेस ड्रिवन भी होना पड़ेगा, बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम आपको प्रोसेस ड्रिवन होना पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम है नॉर्थ स्टार उधर है एंड ये प्रोसेस फॉलो करके, ये पाथ फॉलो करके आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। ठीक, तो अगर आप सिर्फ आउटकम ओरिएंटेड रहते हो तो प्रॉब्लम ये होगी कि आपको हर चीज़ आप रिलेट कर पा रहे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, आपके पास काफ़ी समय है, मोस्ट प्रॉब्ली देखो यार बोर्ड तो पोस्टपोन हो गया, मोस्ट प्रॉब्ली मई तक पीक आने वाली है सेकंड कोरोना वायरस की वेव की, एंड अगर ये वेव सेटल डाउन नहीं होता है तो गवर्नमेंट वोंट टेक द रिस्क एंड हो सकता है नीट पोस्टपोन होगा, काफ़ी चांसेस है। राइट, आपको भी लग रही होगा पिछले साल की तरह नीट इस बार भी अगस्त सितंबर तक कंडक्ट हो किया जाएगा। राइट, तो अभी बहुत सारा टाइम है, तो स्टूडेंट क्या है, सबके एस्पिरेशन बढ़ चुके हैं, सबको अच्छा आउटकम चाहिए। अब सिर्फ आउटकम ओरिएंटेड जब रहते हो ना आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो प्रॉब्लम ये रहती है आपको सारा जो डेली टास्क होता है ना आपको वो बर्डन की तरह लग रहा होता है, प्रोसेस इंजॉय नहीं कर रहे होता, आपको रास्ता नहीं मालूम होता, आपको किसी तरह बस ना आप माइंड में ऐसे सोच रहे होते कि मेरे को सिर्फ वो आउटकम चाहिए, वो पर्टिकुलर रैंक चाहिए, वो पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज चाहिए, उसी के लिए आप मेरे को पेस्टर करते हो, अपने टीचर्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को पेस्टर कर रहे होते, और आपके डिप्रेस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, आपके एंजाइटी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, आपके एप्रिहेंसिव होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, आपको ज़्यादा डर लगता है अपने रिजल्ट को लेके, और सुबह उठते होगे आपको लगता होगा कि यार पता नहीं एम्स दिल्ली मिल पाएगा कि नहीं, बेस्ट मेडिकल कॉलेज मिल पाएगा कि नहीं, क्योंकि आप उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो जो आपके कंट्रोल के बाहर है। राइट, देखो यार आउटकम जो है कंट्रोल के बाहर इसलिए क्योंकि वो आपको तभी मिलेगा जब आप फाइनल डे नीट का एग्ज़ाम दे के आओगे और रिजल्ट तक का वेट करोगे, तभी आपके हाथ में आउटकम आएगा, तभी आपको पता चलेगा आपका रैंक क्या है, आपके मार्क्स कितने हैं, आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाएगी, वो सारी चीज़ें तब की बात है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप क्या कर सकते हो अपने लिए, क्या इंश्योर कर सकते हो जिससे आप एक काम पीसफुल माइंड के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, एक लैमिनर फ्लो के साथ पढ़ाई कर सको, वो ये चीज़ कि आप अपना माइंड से प्रोसेस ड्रिवन रखो। राइट, आउटकम ड्रिवन माइंडसेट को प्रोसेस ड्रिवन माइंडसेट में कन्वर्ट कर लो, ट्रांसफॉर्म कर लो, सो दैट आप स्मूथली रन कर पाओ, आप डेली उठो और आपका टारगेट जो है आप उसको अचीव करने में यू नो आगे बढ़ो, उसको अचीव करना शुरू करो, आप डेली टारगेट्स को मिला के आप वीकली टारगेट्स अचीव करो, फिर वीकली टारगेट्स को मिला के आप मंथली टारगेट्स अचीव करो, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ एकदम आउटकम पे इमेजिनरी यू नो ट्रैजेक्टरी लेते हुए मत पहुँच जाओ। अगर आप ऐसा करोगे तो हमेशा आउटकम ओरिएंटेड रहोगे, परेशान रहोगे,
ठीक, क्योंकि आप उन चीज़ों पर फोकस करोगे जो आपके कंट्रोल में नहीं है। प्रोसेस ड्रिवेन होना आपके कंट्रोल में, रोज़ पढ़ाई करना आपके कंट्रोल में, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना आपके कंट्रोल में, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना आपके कंट्रोल में यार, ठीक है, रिवीजन आवर्स अपने बढ़ाना आपके कंट्रोल में, पढ़ाई का टोटल ड्यूरेशन बढ़ाना आपके कंट्रोल में, रोज़ डेली बेसिस पे अपना एक फिक्स्ड जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का टाइम डिसाइड करना आपके कंट्रोल में, राइट। तो जो चीज़ें कंट्रोल में हैं उसके बारे में सोचो, आप ज़्यादा प्रोसेस को एंजॉय कर पाओगे, ज़्यादा आप यू नो इम्यून रहोगे फाइनल आउटकम का जो एंजाइटी है ना उससे, राइट। इसकी एनर्जी बस मैं सिंपली ये देना चाहूँगा, जैसे बहुत ढेर सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो मेरे को मैसेज कर रहे होते हैं इंस्टाग्राम पे कि उनको बॉडी बनानी है, जिम शार्क एथलीट बनना है, एब्स चाहिए, चिजल फिजिक चाहिए, अच्छे पैक्स चाहिए, अच्छे बाइसेप्स चाहिए, ये सारी चीज़ें, राइट। एंड वो क्या पढ़ाई के साथ ये चीज़ कर सकते हैं, एंड बस पढ़ाई के साथ कर सकते हैं कि नहीं ये तो उन पर डिपेंड कर रहा है, वो उनके टाइम मैनेजमेंट स्किल्स पर डिपेंड कर रहा है। पर मैं ये कहना चाहूँगा यार, जब भी आप जिम जाते हो, ठीक है, और आपका अगर गोल है कि आपको अच्छे यू नो अच्छी फिजिक बनानी है, तो सिर्फ आप डायरेक्टली सिर्फ उस गोल के बारे में सोच के पूरा समय ये अपना माथा इस चीज़ पे पीटते हुए कि यार मेरे को वो गोल चाहिए, मेरे को ऐप्स चाहिए, या फिर ये चाहिए वो चाहिए, आप नहीं अचीव कर सकते। अगर आप प्रोसेस पे फोकस करो, क्या प्रोसेस होगा यहाँ पे कि हाँ अपनी आप डाइट मेंटेन कर रहे हो ओवर मंथ्स, राइट, आप कैलोरी डिफिसिट में रह रहे हो, अगर फैट लॉस कर रहे हो, अगर आप यू नो रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, प्लान कर रहे हो अपने वर्कआउट को, इस मसल को इस दिन हिट करना है, इस मसल को इस दिन हिट करना, तब आप इस प्रोसेस के थ्रू वो फाइनल आउटकम अचीव कर पाओगे। और इस प्रोसेस को एंजॉय करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, वरना हर एक्सरसाइज, हर रिप, हर सेट, हर डाइट आपको बोरिंग लगेगी, आपको लगेगा काफ़ी आप यू नो आप परेशान आत्मा हो, आपको मज़ा नहीं आ रहा चीज़ें करने में, एंड बिकॉज ये जो स्ट्रेस है ना ये बिल्ड होता रहेगा, ये जो आपका ये है ना आपके आपके अंदर की जो एनजाइटी है वो बिल्ड होती रहेगी, क्योंकि आपके अंदर के जो बर्डन है जो आप लेके चल रहे हो वो बिल्ड होता रहेगा। एक पॉइंट आएगा जब आप गिव अप कर दोगे, राइट। सो इस वीडियो का गाइस यही मैसेज है कि प्लीज़ प्लीज़ मार्क्स के पीछे सिर्फ मत भागो, प्रोसेस पे फोकस करो, प्रोसेस पे फोकस करते रहोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, एंड में आपको मार्क्स मिल जाएगा, आपको डिजायर्ड मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिलता है यार, कम से कम आप सेटिस्फाइड रहोगे, गिल्ट फ्री रहोगे कि हाँ आपने प्रोसेस पे फोकस किया, आप कंसिस्टेंट रहे, आपने अपना बेस्ट दिया, ठीक है फाइनल रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं था, कोई बात नहीं। सो ऑल द बेस्ट गाइस, कीप हसलिंग, यही मैसेज देना चाहता हूँ। प्लीज़ नॉर्थ स्टार अपना आप डिटरमाइन कर लो, डिफाइन कर लो, पर प्लीज़ प्लीज़ फोकस जो है अपना प्रोसेस से मत हटाना, वरना प्रॉब्लम में रहोगे और हमेशा एक आपको साइकोलॉजिकल अप्रिहेंशन रहेगा अपने रिजल्ट को लेके, आपको हमेशा अपने आप पे डाउट रहेगा एंड आप परेशान रहोगे, राइट। ऑल द बेस्ट गाइस, कीप हसलिंग एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल, इट एक्चुअली मेक्स अप फॉर ऑल द टाइम एनर्जी एंड एफर्ट आई हैव बीन पुटिंग इन टू क्रिएट दीज वीडियोज, राइट। ऑल द बेस्ट, एंड कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कोई और आपको वीडियो चाहिए, ठीक है, ऑल द बेस्ट।